वेल, इट्स डेफिनेटली एन इनक्रेडिबल फीलिंग. इतने सालों से आई हैव बीन यू नो ड्रीमिंग अबाउट दिस वेरी मोमेंट. तो जब एक्चुअली हो जाता है देन यू कांट रियली यू नो थिंक ऑफ एनी अदर थॉट्स. अब एकदम ब्लैंक हो जाते हो बिकॉज यू वॉन्ट टू बी एज प्रेजेंट इन द मोमेंट एज पॉसिबल. एंड दैट्स एग्जैक्टली वॉट हैपेंड. यू नो जब ये एट दैट मोमेंट आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू बी एज प्रेजेंट एज पॉसिबल बिकॉज आई न्यू दैट यू नो ये मौका कभी बार बार नहीं आता है. एंड इतनी इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे यू नो भारत को रिप्रेजेंट करने का. सो आई फील इनक्रेडिबली ब्लेस्ड. यू नो निविता जी, हम इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में बहुत सारे मॉडल हैं, कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जिनके सिर पर ये ताज होता है. राइट. तो आपके लिए कितना ये ब्लेस्ड मोमेंट होता है? एंड जब ये आपको ताज पहनाया गया था तो क्या फील करी थी आप? उस मोमेंट को लेकर, क्योंकि वो मोमेंट होता है जो कि हर मॉडल चाहती है कि उनकी लाइफ में एक बार वो मोमेंट आए. एंड उसमें से जैसा कि मैंने बताया कि कुछ ही एक होती है आप जैसे लोग जिनको ये वो मेमोरी, वो मोमेंट उनकी लाइफ में आता. तो आपके लिए कितना ये मेमोरेबल मोमेंट है? क्या फील कर रही थी उस टाइम पे जब ये आपको पहनाया गया था? बहुत ही प्राउड फीलिंग थी कि इतनी सालों की मेहनत यू नो फाइनली मुझे इस मुकाम तक पहुंचा रही है. और मेरे पेरेंट्स भी वहाँ थे, मौजूद थे, तो उनके चेहरे को देखना और उनके चेहरे पे वो प्राउड फीलिंग देखना, मुझे बहुत खुशी मिली कि यू नो इस हार्ड वर्क और इस मेहनत के कारण उनको भी अपॉर्चुनिटी मिली कि यू नो मेरे साथ ये ड्रीम वो भी देख पाए और देख सके. और मेरे बाजू में हरनाज जी खड़ी थी, तो यू नो तो काफ़ी प्राउड फीलिंग थी कि वो मेरे साथ थी और उन्होंने मुझे यू नो स्ट्रेंथ दी कि जो भी है आप अच्छे से यू नो करो, भारत का नाम रोशन करो. और हाँ, मैं आई एम सुपर एक्साइटेड टू रिप्रेजेंट इंडिया एट मिस यूनिवर्स. एंड ये जो जर्नी है ये कब से स्टार्ट हुई आपकी लाइफ में, या आपने कब ये सोचा कि मुझे मॉडलिंग की दुनिया में जाना है? इस तरह से क्राउन को ये कब से स्टार्ट किया आपने? कब यू क्या वो एज थी जो आपने सोचा कि मुझे मॉडलिंग करना है नाउ इस तरह से इस दुनिया में आना है? राइट. तो मैं छोटी थी जब, एक्चुअली मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी नानी और मम्मी ने ही मुझे इस लाइन में पुश किया, क्योंकि मैं शायद 3 साल की होंगी जब उन्होंने मुझे फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में लिटिल मिस इंडिया 2001 यू नो जैसे ड्रेस अप करवाया था. और उसी आई थिंक यू नो उसी से ही मेरी ये जो ड्रीम है वो स्टार्ट हुई. और हर साल हम यू नो ब्यूटी पैटर्न देखते थे, हमने देखा कि यू नो कैसी ये जो औरतें हैं दे हाउ दे रिप्रेजेंट अपनी आर कंट्री सो ब्यूटिफुली ऑन द स्टेज. तो वो सब देख के यू नो मन में भी एक इच्छा आती है कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी यू नो उस मुकाम तक पहुँच सकती हूँ, मैं भी भारत का नाम रोशन कर सकती हूँ. तो उसी को लेकर यू नो वी आई हैड दैट ड्रीम इन मी. और लेकिन ऑब्वियसली यू नो हर एक ड्रीम की जो जर्नी है सबकी अलग अलग होती है. मेरी में भी काफ़ी फेलियर्स, रिजेक्शंस, डिसअपॉइंटमेंट्स का सामना करना पड़ा. आई वाज 18 जब मैंने यू नो ब्यूटी पैटर्न्स में भाग लेने की इच्छा स्टार्ट की एंड कोशिश की. लेकिन हर साल हर एक ऑडिशन में यू नो रिजेक्शन होता था, डिसअपॉइंटमेंट होता था, फेलियर होता था. बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप गिव अप मत करो. यू नो आपका एक ही ज़िंदगी है और ड्रीम्स भी यू नो आपके हैं, प्रेशियस हैं. तो रिग्रेट नहीं होना चाहिए बाद में लाइफ के कि मेरे पास टाइम था, मौका था, लेकिन मैंने अपना सबसे ज़्यादा यू नो आई डिडंट गिव माय ऑल. तो इसीलिए आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू नॉट गिव अप. एंड मी सिटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू ऑल इज़ ओनली बिकॉज यू नो मैंने हार नहीं मानी. जी जी जी. बहुत लोग को सिर्फ ग्लिट्स और ग्लैमर लगता है कि यू नो इनके सिर पे ताज पहना दिया, इनकी लाइफ बदल दी और यू नो ये सब ग्लैमर पार्टीज के लिए जा रहे हैं. बट बहुत कुछ ही लोग को पता है कि एक्चुअल मेहनत यू नो करनी पड़ती है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए. फेलियर का सामना करना पड़ता है, अपने डर का सामना करना पड़ता है, करेज यू नो लेके आना पड़ता है. तो आई थिंक यू नो जो भी है, जिसके भी ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस हैं, कई सारे होंगे, लेकिन अगर आप गिव अप नहीं करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, तो ज़रूर आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो. बिल्कुल. एंड जब ये क्राउन आपको पहनाया गया, सो योर मॉम डैड वहाँ पे थे, तो उनके लिए कितना बेस्ट मोमेंट है? एंड आपके साथ में जब मुलाकात हुई तो जी क्या कुछ आपकी बात हुई? राइट. तो वो हमेशा से यू नो मुझे बहुत सपोर्ट उन्होंने दिया है इस फील्ड में, जो काफ़ी पेरेंट्स नहीं करते हैं. क्योंकि मॉडलिंग या पैजेंट्री अभी तक यू नो लोगों का परसेप्शन थोड़ा अलग रहा है.
लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया और बोला कि अगर आप किसी भी एक चीज़ को पकड़ लेते हैं तो मेहनत करो, डजेंट मैटर कि इंजीनियरिंग हो, मेडिसिन हो, पैजेंट्री हो या मॉडलिंग हो, हर एक का जो ड्रीम और डिज़ायर है वो पूरा होने के लिए यू हैव टू गिव योर हार्ड वर्क, योर हार्ट एंड सोल इन इट. तो आई थिंक उनके लिए भी बहुत ही गर्व का फीलिंग था एंड दे वर रियली हैप्पी टू सी मी हैप्पी. और इसके अलावा हरनाज कौर संधू जो कि मिस जी यूनिवर्स हैं वो भी आपके साथ वहाँ स्टेज पर प्रेजेंट थी, राइट? तो उन्होंने कुछ टिप्स दिया आपको, कुछ बातें हुई आपकी एंड क्या कुछ, और यहाँ भी मैंने देखा कि राइट राइट वो आपके साथ में इंटरव्यू दिया है. कैसा रहा उनके साथ शेयर कर? बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था एक्सपीरियंस, बिकॉज मैं जो भी मतलब इंटरेक्शन हुआ है हम दोनों के साथ, बहुत ही वार्म और बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है वो. और टिप्स यही था कि आपकी जर्नी आप ही है, तो वो किस नज़रिए से देखती है अपनी ज़िंदगी, इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट देन मी. मैं किस तरीके से इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, दैट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट. तो हम दोनों की जर्नी यूनिक है, लेकिन बोथ ऑफ अस हैव टू बिलीव इन आर सेल्फ्स टू बी सक्सेसफुल. तो उन्होंने ये बताया कि डोंट फॉरगेट टू बिलीव इन योर सेल्फ, और वो क्रूशल मोमेंट पे हार मत मानो, और ज़्यादा एनर्जी एंड हार्ड वर्क करो. चलिए अब इसके बाद जो कि लोग आपसे जहाँ भी आप जाएंगे लोग आपसे कॉमन सवाल पूछे जाएंगे कि इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद, क्राउन पहनने के बाद, बहुत सारे लोगों का जो रास्ता होता है हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाता है, बॉलीवुड की तरफ जाता है, चाहे हम ऐश्वर्या राय की बात करें, प्रियंका चोपड़ा एंड मानुषी छिल्लर को देख रहे हैं, वो फिल्में कर रहे हैं, नाज़ी की भी कैसी कुछ प्लानिंग चल रही है, क्या हम कविता जी को एक्टिंग की दुनिया में देखेंगे, क्या कुछ करते हुए देखेंगे, व्हाट्स योर प्लानिंग कि अब इसके बाद आफ्टर नेक्स्ट? मेरी ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि लाइफ प्रीटी अनसर्टेन है, मैं जो पिछले साल यहाँ आने की सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन अभी यहाँ हूँ, आप सबके सामने बैठी हूँ, तो कल क्या होगा पता नहीं. बट राइट नाउ माई फोकस इज़ ऑन रिप्रेजेंटिंग इंडिया, भारत का नाम रोशन करना है मिस यूनिवर्स स्टेज पे, तो दैट इज़ माई फोकस. बाद का फिर देखेंगे क्या होता है. सो मिस यूनिवर्स के लिए फिर आई थिंक आपको अब कुछ ही टाइम के बाद आप कुछ जी जी कुछ महीने के बाद ये मुझे ये तो नहीं पता राइट नाउ कि ये कहाँ होने वाला है इस बार. हाँ अभी तक डेट रिलीज़ नहीं हुई है, कंट्री और डेट रिलीज़ नहीं हुई है, बट जब भी होगी तब फुल तैयारी से जाना है और भारत का नाम रोशन करना है. क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर दुनिया से लोग आने वाले हैं, राइट, जहाँ से हरनाज जो है विनर बन के आए हैं. सो कुछ आप लोगों ने बातें की कि जब सारी दुनिया की खूबसूरती एक जगह पर हो तो वहाँ कैसे ट्रीट करना चाहिए, वहाँ कैसे परफॉर्म करना चाहिए? राइट, आई थिंक उस लेवल पे आपका माइंडसेट बहुत इम्पॉर्टेंट है. जो आप जो जैसे आप सोचते हो वो बहुत ही काम सेंटर्ड होके आपको आंसर देना पड़ता है स्टेज पे, आपकी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है. तो उसी माइंडसेट को, मेंटल हेल्थ को आप अच्छे से फोकस करें, उस पर ध्यान दें, उस पर प्रिपरेशन करें, बाकी सब बाय प्रोडक्ट है आपकी मेंटल हेल्थ की. ओके, एंड यहाँ मिस दीवा के प्लेटफॉर्म पे किस तरह के सवाल पूछे गए आपने एंड आपका क्या जवाब था? तो मेरे बारे में इट वाज अबाउट माय अपब्रिंगिंग, मेरी अपब्रिंगिंग के बारे में थी, मेरे जो एडवोकेसी है मैं क्या इधर बताना चाहती हूँ, इस प्लेटफॉर्म को कैसे इस्तेमाल करना चाहती हूँ. तो मेरे लिए एजुकेशन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट बिकॉज माय ओन फादर ही ग्रू अप इन लाइक पुअर सर्कमस्टेंसेज एंड उन्होंने एजुकेशन के वजह से अपने आप को पॉवर्टी से बाहर निकाला. तो मेरे अपब्रिंगिंग में बहुत सा एम्फेसिस रहा है एजुकेशन पे, तो दैट आई वांट टू ब्रिंग दैट फॉरवर्ड एंड वर्क टुवर्ड्स दैट, स्पेशली लड़कियों के लिए, ताकि वो अपने कॉन्फिडेंस को कॉन्फिडेंस दिखाएं और जो भी करना चाहते हैं वो बिना डरे अपनी लाइफ को अपने हाथ में लेके चले. तो आई थिंक दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो अगर लड़कियों को अपनी राइट्स के बारे में पता नहीं है, अगर लड़कियों को अपनी ज़िंदगी में क्या क्या पॉसिबल है उन सब की अवेयरनेस नहीं हो, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे. दैट इज़ वाई इट्स इम्पॉर्टेंट कि लड़कियाँ पढ़े लिखें और अपने ज़िंदगी को अपने हाथ में लेके आगे बढ़ें. ये सवाल पूछा गया आपसे. बहुत, जैसा कि मैंने पहले ये बात की कि बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे मॉडल, मिस यूनिवर्स, मिस दीवा, मिस कोई, कौन है आपका रोल मॉडल जिन्हें आप बचपन से इंस्पायर्ड हैं, आप जिनकी तरह आप बनना चाहती हैं, तो
अगर आप कुछ बताना चाहें। राइट, डेफिनेटली यू नो सारी जो इंडिया को रिप्रेजेंट किए हैं सारी औरतें बहुत ही यूनिक रही हैं अपने ओन राइट में, लेकिन सुष्मिता सेन मुझे बहुत पसंद, इंस्पिरेशन है मेरी, क्योंकि उन्होंने जैसे अपना ज़िंदगी बिताया है अपने अपने दम पे और अपने यू नो अंदाजे से, दैट इज़ समथिंग आई रियली एडमायर। बिल्कुल। फिल्में देखती हैं आप? जी, हाल फिलहाल में कोई फिल्में देखी हैं? डार्लिंग्स जो आलिया भट्ट की जी, इट वॉज़ क्वाइट एन इंटरेस्टिंग टेक ऑन डोमेस्टिक वायलेंस एंड आई थिंक इट वॉज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि यू नो इट वॉज़ आई रियली एन्जॉयड द फिल्म एंड आई थिंक ऐसे बढ़िया राइटिंग वाले यू नो बढ़िया डायरेक्शन के ऐसे ही गुड कंटेंट अगर हमें देखने को मिले आगे फ्यूचर में देन इट विल बी इनक्रेडिबल। क्योंकि आपने बताया कि मैं स्टंट में ऑन द स्पॉट में बिलीव करती हूँ कि अगर फिल्मी दुनिया में जाना हुआ तो किन के साथ काम करना चाहेंगे दीपिका जी एंड किन किन लोगों से जो आप जिनकी फिल्में आप बहुत देखती हो तो इंस्पायर होती हैं? आई रियली लाइक जोया अख्तर की फिल्में ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, अभी जो उनकी आर्चीज आ रही है आर्टिस्टिकली भी बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने शॉट और डायरेक्शन किया है, सो डेफिनेटली हर फिल्म्स एंड आलिया भट्ट ऑफ कोर्स इज़ ग्रेट, तो हाँ इवन दीपिका पादुकोण फॉर दैट मैटर, रणवीर सिंह ऑफ कोर्स, एनर्जी यू नो उनकी एनर्जी करिश्मा को देखना इज समथिंग दैट वुड बी अ ट्रीट। लीडरशिप की अगर मैं बात करूं, पॉलिटिशियन की बात करूं, आई डोंट नो आप कितना बिलीव करती हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन क्या कभी ऐसे इच्छा रखती हैं दीपिका जी कि हाँ मुझे इस प्लेटफॉर्म पे भी कभी जाना है, कभी इंटरेस्ट है, ऐसा कुछ रखती हैं? अभी तो नहीं, ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं है, मेरा फोकस अभी लाइक आई सेड प्रेपरेशन में है और जितना फोकस मैं उस पर डालूँ उतना ही बेहतर है, तो अभी फ़िलहाल कोई ऐसा नहीं है मेरे पास। आपका फेवरेट जिनकी स्पीच बहुत अच्छी लगती है आपको पॉलिटिशियन? जी स्वामी विवेकानंद, उनकी स्पीचेस बहुत ही अच्छी हैं, APJ अब्दुल कलाम उनकी स्पीचेस बहुत अच्छी हैं, बहुत इंस्पिरेशन देते हैं यूथफुल जनरेशन को, तो उनकी मैं बहुत सुनती हूँ। चलिए हमारे तरफ से आप मिस यूनिवर्स की आपकी तैयारी, हमारी तरफ से गुड लक, थैंक यू। जितने भी आपके चाहने वाले हैं जो बनेंगे, जो आपको रेगुलरली मैं आप देख रहा हूँ आपका अकाउंट की जा रही, कुछ कहेंगे आप उनके लिए? आई थिंक बस आप मतलब जो भी आप ड्रीम्स और डिज़ायर्स रखते हो आप उन पे गिव अप ना करें, एक ही ज़िंदगी है, ड्रीम्स आपके बहुत ही प्रेशियस है लाइफ में, तो इसलिए जो भी अगर हर्डल्स या ऑब्स्टिकल्स आती हैं उनको उनसे डरिए मत, यू नो हैव डिटर्मिनेशन, हैव हार्ड वर्क एंड कंटिन्यू ऑन। थैंक यू, लवली मीटिंग, लवली टॉक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।